Hi guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर रेट की प्रॉब्लम के ऊपर। आप भाई जब भी अपना जो शेयर रेट है इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए आप जिस तरह अपनी फाइल को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आप भाइयों को ट्रांसफर करने के लिए सेंड का और रिसीविंग का आइकन देखने को नहीं मिलता, तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम, या फिर आप भाइयों को जो सर्च कर थक जाते हैं लेकिन आपकी दूसरे फ्रेंड की डिवाइस जो है वो सर्च लिस्ट में आती ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो किस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भाई और इस वीडियो को कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप भाई इस वीडियो का स्टेप मिस करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाली कि आप जो है इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम अपना बिना वक्त जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली आप भाइयों ने अपने दोनों मोबाइल की जो इंटरनेट सेटिंग है उसे सबसे पहले तो डिसेबल कर देना है। जैसा कि मेरे पास ये वाईफाई से कनेक्ट है, मैं तो इसे डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद ये जो मेरा मोबाइल है ये इंटरनेट पे कॉन्टेक्ट है, मैं इसे भी जो इसकी इंटरनेट की सेटिंग है इसे भी डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि ऑफ कर देता हूँ। तो ऑफ करने के बाद आप भाइयों अपने दोनों मोबाइल्स के जो शेयर रेट्स है इसे ओपन कर लेना है। शेयर रेट्स ओपन करने के बाद नंबर फर्स्ट पे ही आपको सेंड और रिसीव का ऊपर आइकन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैं इस नंबर टू की डिवाइस पे रिसीव वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, नंबर फर्स्ट वाली डिवाइस पे मैं सेंड के आइकन पे क्लिक करता हूँ। मैं इधर कोई भी एक छोटी सी जो वीडियो है या फिर कोई पिक्चर वगैरह है वो सेंड करना चाहता हूँ। तो पहले मैं अपनी वीडियो सेंड करने के लिए इन वीडियो को वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ ये वीडियो जो है वो मेरे तरफ जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे सेंड का आइकन आप भाइयों को देखने को मिलेगा। आप भाई जिस तरह सेंड आइकन पे क्लिक करते हैं, सिंपली सबसे पहले तो आपकी जो हॉटस्पॉट है वो डिसेबल होनी चाहिए, उसके बाद आपका वाईफाई ओपन होना चाहिए और उसके नीचे ही बिल्कुल ब्लूटूथ भी ओपन होना चाहिए। तो ब्लूटूथ ओपन होने के बाद आप भाइयों को नीचे ही नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप भाई इधर सर्च कर थक जाते हैं लेकिन आपको जो ये वाले अपने फ्रेंड की एडवाइस का जो नाम है ये शो नहीं हो रहा, तो आप भाइयों ने करना ये है, आप भाइयों को ऊपर ही बिल्कुल ऊपर आपको एक स्कैनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। आप भाई जिस तरह उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी जो मेरी डिवाइस है उसके ऊपर ही बिल्कुल टॉप पे अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा एक क्यूआर कोड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप भाइयों ने इस क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। आप भाइयों को इस तरह कुछ क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। तो आप इस क्यूआर कोड के मेथड के जरिए भी जो अपनी वाईफाई यानी कि अपने शेयर रेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह आप भाइयों का शेयर रेट कनेक्ट हो जाता है आपकी जो फाइल है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं अपनी इसी फाइल को कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं अपने तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जिन भाइयों को ये सर्च करने के बाद आपका जो शेयर रेट का रिसीविंग जिस मोबाइल पर आपने रिसीविंग क्लिक किया हुआ है उसका जो नाम है आपकी दूसरी डिवाइस पर शो नहीं हो रहा, तो उस भाई ने अपने मोबाइल से करना ये है, जैसा कि मैंने इस पर रिसीविंग पे क्लिक किया था। तो आप भाइयों ने करना ये है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने स्क्रोल डाउन करना है और मोर सेटिंग पे चले जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको नंबर टू पे ही एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है। आप जिस तरह इस नंबर टू वाले मोबाइल पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आपने इंस्टॉल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो सिंपली लफ्ज में बता दूं, जहां आपके मोबाइल की सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है आपने उस जगह पे आने के बाद आपने स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद आपने अपने शेयर रीड को ढूंढ लेना है। जैसा कि ये मेरे पास शेयर रीड पड़ा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद इधर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नंबर फर्स्ट पे स्टोरी वाला ऑप्शन, आपने इसे जो है इस पे क्लिक करना है और आपने करना ये है आपने अपने शेयर रेट का डेटा को क्लियर कर देना है। फ्रेंड आप अपने शेयर रेट का डेटा जिस तरह ही क्लियर करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी, इस तरह होगी जैसे कि ये अभी न्यू इंस्टॉल हुई है। तो इस एप्लीकेशन में किसी किस्म की कोई बग्स कोई चीज भी हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फाइनली आपने सिंपली ये सेटिंग कर देनी है। आपकी ये सेटिंग करने के बाद आपका जो शेयर रेट है वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही आपका जो दूसरा मोबाइल है जिस पे आपने अपनी फाइल सेंड करनी है, बेहतर यही रहेगा कि आपने उसको भी यानी कि उसके शेयर रेट को भी बिल्कुल क्लियर डेटा करना है। क्लियर डेटा करने के लिए आपने उस मोबाइल की सेटिंग में जाना है और आपने मोर सेटिंग में चले जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको नंबर टू पे ऐप मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। आपको इधर सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, आपने शेयर रेट को ओपन कर लेना है। अपने शेयर रेट को ओपन करने के बाद नंबर फर्स्ट पे स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, आपने उस पर क्लिक करना है और नंबर फर्स्ट पे ही क्लियर डेटा देखने को मिल जाएगा, आपने क्लियर डेटा कर देना है। जिस तरह क्लियर डेटा करने के बाद आप इससे होगा ये कि आपके दोनों मोबाइल की एप्लीकेशन का जो शेयर रेट है वो बिल्कुल इस तरह होगा जैसे ये अभी बिल्कुल नया क्लियर हो चुका है यानी कि नया इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद आपने अपने दोनों मोबाइल के शेयर रेट को ओपन कर लेना है। शेयर रेट को ओपन करने के बाद आपको बिल्कुल इस तरह मिलेगा जैसा कि अभी ये स्टार्ट का ऑप्शन, आपने दोनों मोबाइल पर स्टार्ट कर देना है और आपने इन दोनों के मोबाइलों की परमिशन को अलाउ कर देना है। तो आपने इन दोनों मोबाइलों की परमिशन को जिस तरह ही अलाउ करेंगे तो आपको बिल्कुल इंटर शेयर रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मेरे दोनों मोबाइल्स के नाम देखने को मिल रहे हैं।
तो उसके बाद ऊपर आपको सेंड और रिसीव का आइकन भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं इधर बिल्कुल सेंड और रिसीव पे क्लिक कर देता हूँ। रिसीव पे क्लिक करने के बाद अपने कोई भी मिसाल कोई एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद सेंड के आइकन पे क्लिक करता हूँ और मेरे जो मोबाइल का नाम है वो उसी टाइम शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप भाई को शो नहीं होता, ऊपर ही आपको QR कोड भी देखने को मिल जाएगा, तो QR कोड के मेथड के ज़रिए भी आप जो है अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस तरह इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे QR कोड भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस मेथड के ज़रिए जो मेरा मोबाइल है वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। तो आप भाइयों को पता चल गया होगा कि आप भाई जो है वो किस तरह अपने इस शेयर रेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भाइयों को और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भाइयों ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।